हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ आनंद प्रकाश एंड अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट अबाउट मॉडर्न इंडिया लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट इंडियन रेस्पॉन्सेज अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन हमने पिछली क्लास में ऐसा पढ़ रखा था कि कैसे भारत में अंग्रेजों ने प्रसार किया कैसे उन लोगों ने यूरोपीय सत्ताओं के साथ संघर्ष किया कैसे उन्होंने क्षेत्रीय प्रसार किया ये हमने पहले अध्याय में देख रखा था अब दूसरे अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के शोषण का जम के विरोध किया सो लेट्स स्टार्ट भारतीयों की प्रतिक्रिया भारतीयों की प्रतिक्रिया अंग्रेजों के विरुद्ध रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडियंस अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स तो जैसा हमने पहले ही चर्चा कर रखी थी कि जैसे अंग्रेजों ने भारत में एक एक करके विदेशी शक्तियों और देशी शक्तियों को हराया वैसे ही उन्होंने भारत में कुछ नीतियों में परिवर्तन किया और उसके बाद भारत में अपनी सत्ता को मजबूत बनाया लेकिन एक और बात गौर करने लायक थी कि क्या भारतीय लोग इसका कोई विरोध कर रहे थे तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या कोई एक संगठन या क्या कोई एक व्यक्ति भारत में अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जिम्मेदार रहा या कोई सामूहिक प्रभाव था जिसने की अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी लेट सी वॉज देर एनी सिंगुलर इंस्टीट्यूशन और सिंगल इंस्टीट्यूशन और एनी सिंगल पर्सनैलिटी इन्वॉल्व फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया और देर इज ए कलेक्टिव एफर्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन तो इसको समझने की कोशिश करते हैं जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया वैसे ही भारतीयों ने भी कुछ रिस्पॉन्सेस देने शुरू किए तो भारतीयों की प्रतिक्रिया में पहला था सिविल रिबेलियन सिविल रिबेलियन नागरिक विद्रोह सिविल रिबेलियन नागरिक विद्रोह अब ये नागरिक विद्रोह क्या थे जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है कि भारत में अंग्रेजों ने कई तरीके की शोषण की व्यवस्थाएं की चाहे वो भारत का किसान हो चाहे वो भारत की आम जनता हो वो कहीं ना कहीं परेशान थी अंग्रेजों के शोषण के कारण और इसलिए कई स्तरों पर विरोध हुआ अंग्रेज अंग्रेजों ने भी भारत की धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में सीधे सीधे हस्तक्षेप किया शायद यही वो औपनिवेशिक सत्ता थी जिसने की आ, भारत में कृषि का वाणिज्यिकरण कर दिया और उसका परिणाम निकला किसानों का शोषण भारत में अकाल की न बंद होने वाली प्रक्रिया When ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया देन दे स्टार्टेड एक्सट्रीम exploitation पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कल्चरली एंड socially. सो दैट इज why इंडिया deprived एंड द obvious रिजल्टेंट was फेमाइन सीवियर फेमाइंस इन इंडिया भारत में इस तरीके की व्यवस्था दिखाई देती है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत की व्यवस्था का दोहन किया शोषण किया और इसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल निश्चित थी नागरिक विद्रोहों में तो नागरिक विद्रोहों में सबसे पहला विद्रोह है uh, सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह सन्यासी, विद्रो। सन्यासी रिवोल्ट इन बंगाल अगेंस्ट द रिलीजियस सैंक्शन इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स सन्यासी रिवोल्ट इसमें क्या था सन्यासियों के ऊपर तीर्थयात्रा के कर लगाए गए जिसका कि विद्रोह कर दिया सन्यासियों ने तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से नई व्यवस्था लाने की कोशिश थी भारत के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप किए जाने की कोशिश थी और इसका परिणाम निकला सन्यासी विद्रोह तो ये एक भूमिका दिखाई देती है इसमें नागरिक विद्रोहों में इस एक और भी विद्रोह दिखाई देता है वो है जनजातीय विद्रोह जनजातीय विद्रोह इन दिसप्लॉटेशन अनदर पार्ट इज ट्राइबल रिबेलियंस सो इफ यू सी द ट्राइबल रिबेलियंस अगर जनजातियों के विद्रोह की बात करें तो जंगल पे और उनकी जमीन पे अंग्रेजों ने जिस तरीके से अधिकार किया उनकी जमीन पे जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड्स को भेजा गया और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से उन क्षेत्रों का दोहन किया गया एक व्यवस्था देखें जिसमें जनजातियों को एकदम मरणासन हालत में छोड़ दिया गया वही वो कारण थे जिसके कारण जनजातियों ने अंग्रेजों का और साथ ही साथ स्थानीय सत्ताओं का विरोध किया When Britishers came in India, then In the next phase, they started uh, exploitation of tribal belt and they exploited forest land. They appointed contractual landlords for the exploitation of the forest, and that is why all the tribal communities were expelled from their lands, expelled from their uh, surroundings, and that was the main reason that tribals' uh, revolts occurred. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रिजीम तो ये कुछ कारण रहे जिससे जनजातीय विद्रोह उभर के आए इसमें दो विद्रोह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हैं मुंडा विद्रोह मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह अगर हम मुंडा रिवोल्ट की बात करें या संथाल रिवोल्ट की बात करें तो इसमें भी कही न कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉयटेशन की भावना ही जिम्मेदार थी अगर हम संथाल रिवोल्ट की बात करें ये दोनों विद्रोह झारखंड की तरफ दिखाई देंगे और अगर हम संथाल रिवोल्ट की बात करें तो यहाँ पे सीधू और कानू नाम के दो लीडर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई सो टू लीडर्स वर प्रोमेंट एट टाइम दैट वर सीधू एंड कानू तो इन्होंने आदिवासियों में एक आवाज बुलंद की जिस तरीके से अंग्रेज शोषण कर रहे थे इस व्यवस्था में सीधू और कानू ने क्या किया आम जनजातियों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो चलने वाला भय था उसके उसे कम करने की कोशिश की दे वर कॉन्टीन्यूअसली ट्राइंग टू थ्रो आउट द फियर फॉर द ब्रिटिशर्स एमोंग द ट्राइबल्स दैट इज वाई दे डिक्लेयर देम सेल्फ लॉर्ड कृष्णा म इन देअ ड्रीम एंड डिक्लेयर दैट आई एम विथ यू इन्होंने घोषणा की कि भगवान कृष्ण रात में सपने में आए और इन आदिवासियों का साथ देंगे अंग्रेजों के विरुद्ध अब इसमें एक मुद्दा ये था कि ये जो जनजातियां हैं ये किसका विरोध कर रही थी एक तो कॉन्ट्रैक्ट लैंड लॉर्ड्स के जो नियुक्त हुए थे बाहर से अंग्रेजों ने नियुक्त किए थे और दूसरा ऑफिशियल्स अधिकारियों के तो ये दो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं यहां पे सिद्धू कानू ने जनजातियों को अपने पक्ष में मोड़ा और ये बात की घोषणा की कि अंग्रेजों का शोषण एक न एक दिन बंद होगा क्योंकि भगवान भी हमारे साथ हैं एंड अल्टीमेटली दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड दीज ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के लोग जो यहाँ शासन कर रहे थे उनके पास मिलिट्री फोर्स ज्यादा थी पुलिस फोर्स ज्यादा थी उन्होंने इन विद्रोहों का बहुत सफलतापूर्वक दमन कर दिया इफ यू सी दीज रिवोल्ट देन दीज रिवोल्ट सक्सेसफुली सप्रेस्ड बाई ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम इन इंडिया एंड ऑल्सो अगेन अगेन अ रिवोल्ट झारखंड रीजियन मुंडा विद्रोह इस विद्रोह के नेता भी हैं बिरसा मुंडा इन्होंने भी इसी तरीके के प्रयास किए अंग्रेजों ने यहाँ की एक कृषि की व्यवस्था जिसे खंती व्यवस्था बुलाते थे उसमें परिवर्तन के प्रयास किए वॉट वॉज द खती सिस्टम दैट वॉज वेरी पॉपुलर सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर इन दैट एरियाज ब्रिटिशर्स चेंज दैट कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम विच वॉज नोन एज खती सिस्टम देन दैट रिवोल्ट इरप्टेड ये विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ क्योंकि इन मुंडाओं के यहां एक खंती कृषि व्यवस्था चलती थी खंती कृषि व्यवस्था और इस खंती कृषि व्यवस्था को इस नाम से भी जानते थे कलेक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम इसको अंग्रेजों ने बदल दिया और अब कॉन्ट्रैक्ट लैंड कर दिया इसके विरोध में बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि अब मुझे मेरे पास भगवान की शक्तियां आ चुकी हैं और अब हम जो अंग्रेज गोलियां चलाएंगे उसको हम फूलों में बदल देंगे that was the effort of birsa munda uh, he was trying to create unity against the british exploitation in the context of tribal exploitation to so, inhone isko uh, shoshan ko rokne ki koshish ki antata inka bhi uh, result wahi nikla kyunki angrez united the unhone इस विद्रोह का भी दमन कर दिया तो जनजातीय विद्रोहों का एक के बाद एक वो विद्रोह होते रहे और इन विद्रोहों का दमन किया जाता रहा और भी क्षेत्रों में जैसे आसाम में अहोम विद्रोह जैसे अन्य क्षेत्रों में और भी विद्रोह हुए जैसे सबसे बड़ा विद्रोह एक दिखाई देता है जिसका नाम है विद्रोह मोपला विद्रोह सो मोपला रिवोल्ट दैट वॉज अ रिवोल्ट स्टार्टेड इन द केरल रीजियन एंड वॉट वॉज द रीजन रीजन वॉज सेम ये मोपला विद्रोह भी केरल में प्रारंभ हुए और इनका भी कारण एकदम से वैसा ही था जैसा कि अन्य विद्रोहों में दिखाई दे रहा था जंगल की जमीन पे कब्जा आदिवासियों को उनके जमीन से दूर करना ये सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा था तो मोपला विद्रोह की एक खासियत ये थी कि मोपला विद्रोह को अंग्रेजों ने अपनी एफर्ट से धार्मिक दंगों का रूप दे दिया और ये रिवोल्ट 1921 तक चलता रहा सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला यह जनजातीय विद्रोह था दैट रिवोल्ट वॉज लॉन्गेस्ट रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन दिस रिवोल्ट वॉज एंडेड इन नाइनटीन ट्वेंटी वन एंड रीजन वॉज द सेम एकदम समान कारण है फर्क इतना है कि अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को दंगों में बदल दिया और वो भी धार्मिक दंगे ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड दैट रिवोल्ट इन टू ए पोग्रोम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइन्स सो ये एक विद्रोह की कड़ी में दिखाई दे रहा है कुछ और भी नागरिक विद्रोह हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं इन जनजातीय विद्रोहों के अलावा किसान विद्रोह भी अस्तित्व में आते हैं फार्मर्स रिवोल्ट ये सारे रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया उसका परिणाम था ये विद्रोह तो फार्मर्स रिवोल्ट्स में देखें, सबसे पहला दिखाई देता है 1858 इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट नील विद्रोह और ये किस क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है ये है बंगाल सो दैट रिवोल्ट इफ्टेड इन द बंगाल बाई बिकॉज फ्यू रिटायर्ड ऑफिशियंपनी सप्रेस्ड फार्मर्स टू फोर्सफुली कल्टिवेट देयर लैंड विद द इंडिगो एंड दैट इज बाई फार्मर्स रिवोल्टेड बाई बो डिग्रेडेड दॉयल क्वालिटी एंड ऑल्सो डेप्रिशिएटेड द वॉटर लेवल यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है कि किसानों ने क्यों विद्रोह किया क्योंकि कुछ किसान या कुछ अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया कुछ रिटायर्ड अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे जिन्होंने किसानों के ऊपर दबाव बनाया कि आपको इंडिगो या नील की खेती करनी होगी और नील की खेती का दुष्परिणाम ये था कि यहां पे खाद्यान्न का संकट हो गया क्योंकि नील की खेती का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है और इसके अलावा पानी का जलस्तर भी नीचे गिर जाता है तो इस नील रिवोल्ट को किया गया काफी सक्सेसफुल था। इस पे एक उपन्यास भी लिखा गया दीन बंधु मित्र ने इस घटना के ऊपर नील दर्पण नामक एक उपन्यास भी लिखा साहित्यकारों ने भी इस आंदोलन को लगातार समर्थन दिया जैसा हमने अभी चर्चा की थी सन्यासी विद्रोह के बारे में उसके बारे में भी बंकिम चंद चटर्जी चत, ने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ सो सेवरल लिटरेरी सपोर्ट ऑल्सो केम अगेंस्ट द इंडियन इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन दैट इज बाई बंकि चटर्जी रिटर्न ए फेमस नॉवेल आनंद मठ ऑन द इंसिडेंट ऑफ सन्यासी रिवोल्ट एंड ऑल्सो दीन बंधु मित्र रिटर्न ए नॉवेल नोन एज नील दर्पण सो ऐसा मान सकते हैं कि फार्मर रिवोल्ट की शुरुआत हो गई और ये आगे चल के कन्वर्ट होती है इस तरीके के कई सारे आंदोलन दिखाई देते हैं गांधी जी के आगमन के बाद चंपारण या खेड़ा जैसी जगहों पे भी ये आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में एक 1936 में संगठन बना दिया गया अखिल भारतीय किसान संघ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन अखिल भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान संघ ऑल इंडिया ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन इस अखिल भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बनाया गया एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है सहजानंद सरस्वती सहजानंद सरस्वती सो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन सहजानंद सहजानंद सरस्वती तो इस तरीके से देखें तो किसानों ने भी इस विद्रोह के लिए जम के भाग लिया और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध एक सतर्क प्रतिक्रिया दी एक सशक्त विद्रोह किया लेकिन जैसा कि गांधी का भी मानना था कि भारत का किसान भारत का आम आदमी जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक वो आंदोलन को गति नहीं दे सकता है इसीलिए गांधी ने आर्थिक स्वराज की बात की ऑल्सो गांधी सपोर्टेड द आइडियोलॉजी दैट अनटिल एंड अनलेस देर इज नो रिवोल्ट वेन ऑल द इंडिया इज स्टार्ट सो उनका भी यही मानना था कि जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा तो किसानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसके बाद इस सिविल रिवेलियन में एक और uh, बात दिखाई दे रही है और वो है सिविल रिवेलियन की घटना में एक बात और दिखाई दे रही है और इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि यह है अट्ठारह संतावन की क्रांति रिवोल्ट ऑफ 18, रिवोल्ट ऑफ 1857. अब इसे क्रांति माने इसे रिवोल्यूशन माने या इसे रिवोल्ट माने तो इसको रिवोल्ट मानना ज्यादा बेहतर होगा इसे विद्रोह मानना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि क्रांति का तात्पर्य है व्यवस्था में आमूल परिवर्तन सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रिवोल्ट सो रिवोल्ट इज ए यू कैन से दैट सडन अपराइजिंग्स बट रिवोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट देर इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन द सिस्टम ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी व्यवस्था बदल जाती है तो अठारह की क्रांति ने वो कर दिखाया जो इतने दिनों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के जनमानस में जो क्रोध की भावना थी उसी का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था उसी की सतर्क और सशक्त प्रतिक्रिया थी 1857 का विद्रोह सो इफ यू सी वॉट वॉज द एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट दैट वॉज द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन विच वॉज सिमेटिकली स्टार्टेड इन सेवनटीन फिफ्टी सेवन वेन दे डिफीटेड नवाब ऑफ बेंगाल से राजीव दौला विच हैव अर्यर डिस्कस्ड तो हमने इसकी पहले चर्चा कर ली है तो इस विद्रोह के कारण क्या थे बिल्कुल कारण स्पष्ट था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन जो सौ वर्षों से लगातार आर्थिक शोषण चला रहा था उसी का परिणाम था अठारह की क्रांति सो एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव एक्सप्लाइटेशन ऑफ इंडियंस एंड दैट वॉज द रिजल्ट आर्थिक शोषण में हमने पहले चर्चा कर ली कि कुछ भूमि सुधार किए गए कुछ दीवानी अधिकारों का ट्रांसफर किया गया तो ऐसी सा, सारी बातें आ, की गई इस आर्थिक शोषण को अगर आधार माने तो आ, एक और काम किया अंग्रेजों ने भारत की व्यवस्था में वो था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का वाणिज्यीकरण कृषि का अनदर न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देन व्हाट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आखिर दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये क्या है कृषि का वाणिज्यीकरण सो so, कृषि का वाणिज्यीकरण वो है कि भारत की अगर कृषि व्यवस्था की बात करें तो आजादी Uh, से पहले या अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी सेल्फ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी बिफोर द ब्रिटिशर्स इंडियन विलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलाय इकोनॉमी सो व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया दे कॉमर्शिय अटैच्ड इंडियन एंड ऑल इट्स प्रोड्यूसर्स टू द वर्ल्ड एंड दट इज अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत की कृषि की व्यवस्था को विश्व से जोड़ दिया यही था कृषि का वाणिज्यिकरण और इसका परिणाम ये निकला कि नकदी फसलों के उत्पादन पे अत्यधिक बल दिया गया और नकदी फसलों के उत्पादन के बल देने का मतलब था कि खाद्यान्न का संकट हो जाना इफ यू स्ट्रेस्ड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स देन अल्टीमेट रिजल्ट विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स सो इससे क्योंकि कैश क्रॉप्स क्या करती हैं मिट्टी की उर्वरा क्षमता uh, को कम करती हैं और साथ ही साथ भूमिगत जल स्तर को भी नीचे ले जाती हैं तो इसका परिणाम निकला किसानों की खराब स्थिति और अल्टीमेटली इससे अकाल आने लगे सो इफ यू सी दैट इम्पैक्ट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देन डिप्लीशन ऑफ द वाटर लेवल एंड सेकेंड थिंग इज सॉयल फर्टिलिटी डिक्रीज तो ये एक मुद्दा दिखाई देता है तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करके सबसे बड़ी चोट की हमारी ग्रामीण बुनियादी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया अपने फायदे के लिए अब उत्पादन होने लगा अनाज का उत्पादन न होके अब उत्पादन होने लगा नकदी फसलों का तो यहां पे ऐसी बातें दिखाई दे रही है अठारह के विद्रोह के पीछे दूसरा कारण जो दिखाई देता है अंग्रेजों ने एक्सेसिव इंटरफेरेंस किया जमींदारों और राजाओं की फैमिली में सो एक्सेसिव इंटरफेरेंस एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन दी रीजनल किंगडम्स रीजनल किंगडम्स क्षेत्रीय ताकतों के संदर्भ में क्षेत्रीय ताकतों के कामकाज में क्षेत्रीय ताकतों के कामकाज में, में अत्यधिक हस्तक्षेप किया ब्रिटिशर्स वर एक्सेसिवली इंटरफर्ड इन द रीजनल किंगडम्स ड्यू टू सर्टेन रीजन कुछ इसके कारण बहुत क्लियर थे जैसे डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी जैसे वेलेजली की सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी खास करके डलहौजी की नीतियों ने सीधे सीधे क्षेत्रीय शक्तियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया एनेक्सेशन स्टार्टेड बाय डलहौजी Uh, through his policy doctrine of lapse on the two grounds one is uh, incapability of the governance and second thing is corruption and attached thing is uh, lack of legal successor दलहौजी ने जो क्षेत्रीय uh, शक्तियों के ऊपर अधिकार बनाने के लिए जो आधार प्रस्तुत किया वो था किसी वास्तविक वैधानिक उत्तराधिकारी का न होना है जैसे झांसी की रानी के केस में उन्होंने वैधानिक रूप से झांसी की रानी के बच्चे को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि जो दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सही नहीं है दत्तक पुत्र घोषित कर दिया गया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को तो डलहौजी ने उनके अधिकार को अस्वीकार कर दिया जिसके कारण झांसी की रानी अठारह के विद्रोह में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। व्हाट वाज द रीजन लक्ष्मी बाई फॉट बैटल टू आ, प्रोटेक्ट हर झांसी सो रीजन वाज वेरी सिंपल डलहौजी रिफ्यूज हर लीगल सक्सेसर ड्यू टू रीजंस दैट इज वाई शी फॉट ऐसे ही कुछ मामलों में देखें जैसे आ, उन्होंने पेशवा के बेटे के पेंशन को इनकार कर दिया जिससे कानपुर में विद्रोह की भावना उभर के सामने आती है अनदर रीजन इज दे रिफ्यूज टू गिव पेंशन लाइक एज सन ऑफ पेशवा लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड सो so, ऐसा माने कि uh, इन विद्रोहों का जो मूल कारण दिखाई देता है वो एक्सेसिव इंटरफेरेंस है स्थानीय राजाओं के मामलों में अब स्थानीय राजाओं के मामलों में खूब सारा हस्तक्षेप होगा तो इसका ऑब्वियस रिजल्ट निकलेगा कि वो राजा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए या रानी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ेंगे सो रीजन वॉज वेरी सिंपल ब्रिटिशर्स एक्सेसिवली इंटरफर्ड इन देयर किंगडम्स एंड दे रिवोल्टेड कॉमन विद द सपोर्ट ऑफ कॉमन मैन सो ये एक कारण दिखाई देता है तीसरे अगर कारण की बात करें अठारह का विद्रोह जो हुआ उसका तीसरा कारण दिखाई देता है थर्ड रीजन थर्ड रीजन और वो है सिपाहियों के अधिकारों का दमन सिपाही भावना का शोषण एक्सप्लाइटेशन ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ सिपाही भावना का शोषण एक्सप्लाइटेशन ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ एक्सप्लाइटेशन ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स तो ऐसा देखें कि सिपाहियों की भावना का किस प्रकार से शोषण हो रहा था उन्हें सैलरी कम मिलती उनके जमीन जायदाद छीन चुके थे ब्रिटेन की सरकार की नीतियों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की वजह से जिस तरीके से उन्होंने सुधारों को लागू किया उनकी सैलरी कम थी उनको विदेश यात्राओं पर भेजा जाता था दूसरे युद्धों में भेजा जाता था उनके साथ सेवा की शर्तें कठिन थी किचनर टेस्ट नाम के कठिन टेस्ट लिए जाते थे जिसमें भारतीयों के सामने समस्याएं खड़ी होती थी इनिशियली इफ यू सी देंटिमेंट्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स सेप्टेड एनी वेयर बाई दंगल पांडेट इन बैरकपुर इंफेंट्री इसलिए मंगल पांडे ने छुट्टी न मिलने के कारण अपने सार्जेंट को मार डाला जिससे इस आंदोलन की शुरुआत होती है और भारतीय सिपाहियों के लिए काफी विपरीत परिस्थितियां थी किचना टेस्ट जैसे कठिन टेस्ट कराने की व्यवस्था रखी गई थी जिसको भारतीय सिपाही पार्क पाने में दिक्कत महसूस कर रहे थे इसके अलावा सिपाहियों के लिए सेवा शर्तें काफी कठिन थी उनके वेतन भत्ते काफी कम थे और उनको विदेशों में भी भेजा जा रहा था लड़ाइयों के लिए तो इस तरीके की विपरीत परिस्थितियों में माहौल काफी खराब हो चला था इसके बाद जो एक कॉन्टेपरि रीजन मानते हैं इस विद्रोह का कॉन्टेप्ररी रीजन कॉन्टेम्प्ररी रीजन समकालीन कारण समकालीन कारण वो ऐसा माना गया कि जिस तरीके से पुरानी एनफील्ड राइफल्स को बदल के ब्राउन बेस राइफल्स लाई गई सेना में और उसमें एक अफवाह उड़ी हुई थी कि उसमें उसके कारतूस में गाय या सुअर की चर्बी मिलाई गई है तो यह भी एक तात्कालिक कारण माना गया इस विद्रोह के फूट पड़ने में सो कॉन्ट्रम्परी कॉन्टेम्प्री रीजन वॉज देर वॉज ए र्यूमर इरप्टेड एवरीवेयर दैट न्यू ब्राउन बेस राइफल यूज इन द मिलिट्री आफ्टर रिप्लेसिंग एनफील्ड राइफल्स एंड देर वॉज एम्यूनेशन यूज विद द काउज एंड पिक्स फ्लैश सो so, ये एक समस्या बनी हुई थी इन अफवाहों ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स या धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और ये भी एक तरीके से विद्रोह का कारण रहे यद्यपि इस विद्रोह को दबा दिया गया लेकिन इस विद्रोह को दबाने के बाद भी इसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रहे दैट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज रिवोल्ट ऑफ इंडिया ऑल दो दैट रिवोल्ट वॉज नॉट सक्सीडेड एनी वेयर इन द टर्म्स ऑफ मॉडर्न सक्सेस बट एनी हाउ इम्पैक्ट वॉज वेरी लॉन्गर इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहा भारतीयों के मन में इसने वो भावना भरने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहा कि अगर भारतीय यूनाइटेड हो अगर संगठित हो तो अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं सो देयर वॉज ए बिलीव इरप्टेड इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस दैट इफ वी वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन देन एनी थिंग वॉज पॉसिबल तो ऐसा कुछ माना गया अब अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के कान खड़े हुए और उन्होंने इस व्यवस्था में परिवर्तन की ठान ली अट्ठारह में एक नया बिल लाया गया भारत ब्रिटेन की संसद में और यह था कि पावर ट्रांसफर इन 1858, new bill न्यू बिल इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द पावर ट्रांसफर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्लेस्ड और फेस्ड पावर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट फेस्ड पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज़ द बिल पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ये पावर ट्रांसफर का काम शुरू हो गया लोगों ने ऐसा पूछा कि आखिर यही समय क्यों चुना गया सत्ता के परिवर्तन के लिए क्योंकि अंग्रेज तो अभी तक इस घटना को अठारह के विद्रोह को मान रहे थे कि एक सिपाही मिटनी है सिपाही विद्रोह इसका मतलब था कि वो इस विद्रोह की गंभीरता को नकार रहे थे अंग्रेजों ने कभी माना ही नहीं कि उन्होंने इस देश का शोषण किया ब्रिटिशर्स नेवर बिलीव्ड और एक्सेप्टेड दैट फैक्ट they are uh, they were came in india for the exploitation that is why when they transferred power from the east india company to british parliament in 1858 then they said that that is a administrative change जब उन्होंने 1858 में अपनी सत्ता बदली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार ब्रिटेन की संसद को दे दिए गए तब भी अंग्रेज ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने ये सत्ता का स्थानांतरण किसी अठारह की घटना के परिणामस्वरूप न करके उन्होंने बोला कि हमने यह परिवर्तन प्रशासनिक कारणों से किया है तो अठारह में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली अंग्रेजों ने अब ऐसा तय कर लिया कि भारत में विद्रोह उठने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश कर की जानी जरूरी है और जब उन्होंने जांच की तो इसमें सबसे बड़ी चीज निकल के आई वो थी हिंदू मुस्लिम एकता उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या फूट डालो या राज्य करो की नीति को लागू किया और मुस्लिमों और हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की जिसका परिणाम निकला आगे चल के उन्नीस में मुस्लिम लीग का बन जाना वेन ब्रिटिशर्स ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858 फिफ्टी एट they uh quested reason behind such kind of revolt then they uh, found reason behind such greatest revolt was that was unity between hindu and muslim and that is why they uh, they were always wanted to create ambiguity in the minds of both the communities and they were succeeded when they uh, formed Uh, when they इनिशिएटेड द प्रोसेस टू फॉर्मड और एस्टेब्लिस मुस्लिम लीग इन ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया मुस्लिम लीग का बनना तो इन संदर्भों में देखें तो नागरिक विद्रोह जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहली प्रतिक्रिया थी वो था नागरिक विद्रोह फर्स्ट रिवोल्ट और रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लाइटेशन दैट वॉज सिविल रिवोल्ट तो इसके बाद अगर हम देखें सिविल रिवोल्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई देता है कि गांधी या कांग्रेस का विरोध कांग्रेस का विरोध कांग्रेस का विरोध का का रिवोल्ट ऑफ कांग्रेस बट इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से कांग्रेस भी विरोध कर रही थी इस पूरी प्रक्रिया का कांग्रेस के अगर विकास के चरण को देखें तो ये चरण तीन रूप से दिखाई देता है 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और मूल उद्देश्य ये था कि भारत की जनता के विचारों को अंग्रेज समझ सके वेन एल एन ह्यूम इस्टैब्लिस्ड कांग्रेस देन ही अंडरस्टूड देर वाज़ अ नीड टू इस्टैब्लिश लिंक बिटवीन इंडियन कम्युनिटी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स तो वहां पे एक जरूरत थी कि दोनों के मध्य एक व्यवस्था की स्थापना की जा सके तो 1885 से लेके और 1905 तक 1885 से लेके और 1905 तक यहाँ पे कांग्रेस का एक चरण चला फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कांग्रेस कांग्रेस के इस फेज में उदारवादी लोगों की अस्तित्व दिखाई दे रही थी मॉडरेट्स, उदारवादी इसके बाद 1905 से लेके और 1915 तक कांग्रेस के विकास के चरण में दिखता है एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी और इसके बाद 1915 से लेके और 1948 यह गांधीयन एरा कांग्रेस के विकास में इस गांधीवादी युग का काफी महत्वपूर्ण योगदान था तो इस तरीके की कुछ बातें दिखाई दे रही हैं सो इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 18 uh, 85 to 1948 then there was three segments of the development of congress from 1885 to 1905 that was the era of moderates after that there was the era of extremist ideologies or ideologues and after that uh, from 1915 to 1948 that was the era of gandhi तो इस तरीके के कुछ विचार दिखाई देते हैं उदारवादियों का मानना था जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जिसमें गो, गोपाल कृष्ण गोखले जिसमें दादा भाई नरौजी जिसमें रोमेश चंद दत्त जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा इस बात में विश्वास रखा कि एक दिन अंग्रेजी सत्ता बातचीत के माध्यम से इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि भारतीयों को कुछ सीमित मात्रा में ही सही लेकिन स्वतंत्रता मिलेगी फ्यू मॉडरेट्स लाइक एज दादा भाई नरोजी लाइक एज रोमेशन दत्त लाइक एज गोपाल कृष्ण गोखले ऑलवेज बिलीव दैट देर वॉज ए चांस लिटिल बिट चांस दैट ऑटोनोमी विल बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस ऐसा वो मानते रहे कि कभी ना कभी ये घटना uh, होगी लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए उनकी रणनीति थी कि वार्ता के माध्यम से देश को आजाद कराने की बात थी लेकिन यह आजादी पूर्ण स्वतंत्रता की बात न हो के डोमिनियन रिपब्लिक की थी डोमिनियन रिपब्लिक का तात्पर्य है अंग्रेजों के अंतर्गत कार्य करते हुए कुछ सीमित स्वतंत्रता एक्चुअली मॉडरेट्स वर डिमांडेड फॉर द डोमिनियन रिपब्लिक एंड डोमिनियन डोमिनियन रिपब्लिक मीन्स सिंपली लिटिल बिट ऑटोनॉमी ब्रिटिश रूल सो ये ये एक बात दिखाई देती है आइडियोलॉजी शुरुआत में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने चलाई दादा भाई नरोजी जैसे लोगों ने चलाई कुछ और भी लोग आते हैं बंगाल का विभाजन हो जाता है इन 1905 जीरो फाइव देर इज अ पार्टीशन ऑफ बेंगाल डिडेड बेंगाल यूनिटी बिटवीन हिंदू एंडिमिक रिवोल्ट वॉज यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम दैट इज बाई पार्टीशन बेंगोल एंड इंटेन्स प्रोटेस्ट इवरी वेयर एरपेड कांग्रेस के अंदर भी एक खलबली मच गई क्योंकि 1905 में करजन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसका एकमात्र उद्देश्य था और वो उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना और कारण यह था अठारह के विद्रोह जैसी दूसरी कोई परिस्थिति न बने इसके विद्... विरोध में कई सारे कांग्रेस के नेता सामने आ गए एक अतिवादी आंदोलन की दौर चली जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड की गई और वो लोग थे तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद पाल सो वर द फ्रंट लीडर्स ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट दैट वॉज लाल दैट uh, वॉज uh, लाला लाजपत राय विपिन चंद पॉल और बाल गंगाधर तिलक इन सभी ने बात की कि आजादी पूर्णता में लेके रहेंगे और छोटी आजादी से काम नहीं चलेगा तिलक का तो यह भी मानना था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे तिलक सामाजिक सुधारों की भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनिशियली दीज थ्री लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल ऑफ कोर्स टेक इट सो यहाँ पे ऐसी बातें दिखाई देती हैं तिलक ने जो आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसी के अलावा अरविंदो घोष जैसे नेता भी दिखाई देते हैं जिन्होंने बंगाल के विभाजन के उपलक्ष्य में अपनी एक नई नीति बना ली और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने में काफी योगदान दिया ऑल्सो अरविंदो घोष इन द बंगाल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो ही was द फर्स्ट पर्सन हु सेड मदरलैंड ऑफ इंडिया वो पहले ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्होंने भारत को मां की संज्ञा दी और इसने भारत की आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया इसीलिए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में अरविंदो घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है घोष स्टेटस इन द ब्रिटिश ऑफिशियल फाइल्स वेरी डेंजरस थ्रेट फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस की थ्योरी भी दी उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भी दिया ये निष्क्रिय प्रतिरोध किस तरीके का था यह निष्क्रिय प्रतिरोध था बॉयकॉट चाहे वो उपाधियों का हो चाहे वो टैक्सेस का हो चाहे वो सरकारी uh, सुविधाओं का हो चाहे वो शिक्षा का हो चाहे वो नौकरियों का हो चाहे वो क्लॉथ्स का हो देन बाईकॉट इज ए थ्यूरी इम्प्लीमेंटेड अंडर द पैसिव रेसिस्टेंस थ्यूरी एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस प्रोपाउंडेड बाई अरबिंदो घोष तो इस तरीके के कुछ लीडर सामने दिखाई देते हैं लेकिन सबसे बड़ा भारत में परिवर्तन आता है गांधी के आने से 1915 में गांधी 9 जनवरी को भारत आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें इनवाइट करते हैं और उसके बाद गांधी ने इस पूरी व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन कर दिया धी केम इन इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ऑन द नाइन्थ जनवरीउथ अफ्रीका गांधी का इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में एक लंबा इतिहास रहा उन्होंने अपर थाइट की नीतियों का जम के विरोध किया नस्ल भेद की नीतियों का जम के विरोध किया और उनके एक्सपीरियंस और उनके नाम को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को भारत आमंत्रित किया सो so, गोपाल कृष्ण गोखले इनवाइटेड गांधी वाई बिकॉज ही अंडरस्टूड द इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ गांधी टू रेज मास movement अगेंस्ट द exploitation इन साउथ अफ्रीका तो इस तरीके से कुछ बातें दिखती हैं गांधी का भारत में आना और आज़ादी की लड़ाई में एक नए युग का खुल जाना ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी के आने के बाद कौन से चेंजेस हुए भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में What were the changes when Gandhi came in India? तो जब गांधी आते हैं भारत में तो कुछ चेंजेस होते हैं ही कन्वर्टेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन टू मास स्ट्रगल सबसे बड़ा परिवर्तन है कि गांधी जब भारत में आते हैं तो वो इस पूरी कांग्रेस की प्रक्रिया और क्रिया प्रणाली को प्रश्न करते हैं कि इसमें आम जनता का रोल क्या है गांधी ने आते ही आते इस पूरे कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया उन्होंने सबसे पहले किसानों के मुद्दों की बात की उन्होंने चंपारण उन्होंने चंपारण और खेड़ा जैसे जगहों पे किसानों के मुद्दों को उठाया और इस घटना ने ये आम जनता को एहसास दिलाया कि कांग्रेस के लीडर्स भी उनकी आम मांगों के साथ जुड़े हुए हैं दैट वॉज द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द कांग्रेस स्ट्रैटजी वेन गांधी इंट्रोड्यूस सच मास्टर स्ट्रैटजी ही फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन मैन एंड दैट इज वाई गांधी वॉज वेरी ग्रेट पर्सन गांधी क्यों महान थे क्योंकि उन्होंने इस पूरी आंदोलन को एक नई शक्ल दे दी इसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान था उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं को को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द इंडियन हिस्ट्री हु एक्सेप्टेड और यू कैन से दैट इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हु एक्सेप्टेड स्ट्रांग रोल ऑफ विमेन गांधी ऐसे पहले व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्होंने गांधी ऐसे पहले व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्होंने महिलाओं की भूमिका को बहुत सशक्ति से स्वीकार किया और यही कारण था कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई तो इसके पीछे महिलाओं की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है

इसके अलावा गांधी ने जो तीसरा परिवर्तन किया वो था विलेज रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट उन्होंने ग्राम स्वराज की भावना पे बल दिया ग्राम स्वराज का मतलब ये था कि गांधी का मानना था कि भारी औद्योगिकरण से विकास नहीं होगा गांधी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना होगा और ये रोजगार मिलेगा कहाँ कुटीर उद्योगों से गांधी अ initiated another change in the national freedom struggle when he introduced concept of village republic that was uh, important focus of that concept was strengthen village economy why because before the britishers indian economical system totally revolving around village system and Uh, हम शुरू से ही ऐसा जानते आए हैं या मानते भी आए हैं कि भारत गांव का देश रहा है और जब तक भारत के गांव नहीं मजबूत होंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा सो दाई गांधी स्ट्रेस्ड ऑन द विलेज रिपब्लिक वाई बिकॉज अंटिल एंड अनर इज नो डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो उनका ऐसा मानना था तो गांधी ने विलेज रिपब्लिक या ग्राम स्वराज की भावना की बात की गांधी ने इसके अलावा एक और भी बड़ा परिवर्तन किया उनका मानना यह था कि जब तक हिंदू धर्म के अंदर जाति का विभेद रहेगा तब तक ये हिंदू लोग ही यूनाइटेड नहीं होंगे अंग्रेजों के खिलाफ सो so, गांधी आल्सो फोकस्ड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम दैट इज व्हाई ही फर्स्टली सेड डिप्रीव्ड कम्युनिटी हरिजन गांधी ने पहली बार निचली जातियों के महत्व को भी स्वीकार किया और उन्होंने पहली बार निचली जातियों को हरिजन का नाम दिया तो ये एक गांधी की महत्वपूर्ण योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई दे रही है गांधी ने गांधी के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने जो युक्ति बनाई कि संघर्ष विराम संघर्ष ज द मेन फोकस ऑफ गांधी स्ट्रगल रेस्ड स्ट्रगल इसका मतलब ये था कि गांधी को यह पता था कि भारत की आम जनता आंदोलन रुक रुक के करेगी तो ज्यादा सार्थक हो पाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध दैट इज वाई उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जैसे गांधी जब सविनय अवज्ञा शुरू करते हैं तो उन्होंने पहले ही घोषित किया हुआ था कि अगर इसमें हिंसा की बात होगी तो मैं इसको स्थगित कर दूंगा चौरी चौरा की घटना ने जिसमें 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया चौरी चौरा नामक स्थान पे उत्तर प्रदेश के गांधी ने इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया कांग्रेस में भी उनके विरोध में कई सारे आवाज उठे लेकिन गांधी का शुरू से अंत तक ये मानना रहा कि अगर साधन पवित्र होंगे तो ही पवित्र साध्य को प्राप्त किया जा सकता है गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन द सेक्रेडनेस ऑफ वेज एंड मीन्स दैट इज वाई ही डिक्लेयर इनिशियली इन द नन कोऑपरेशन मूवमेंट इफ देर वॉज एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस बाई द कॉमन मैन देन फाइनली एनी टाइम मूवमेंट वुड सस्पेंड अब ये बातें गांधी ने बोली कि अगर ये ऐसा होगा तो तुरंत इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा मूवमेंट को गांधी का यह मानना था और गांधी ने यह बात क्योंकि क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज पूरी दुनिया में ये बताते फिर रहे थे कि वाइट मेंस बर्डन थ्योरी हम भारत में आए हैं भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने ब्रिटिशर्स इवरी वेयर क्लेम दैट वी वर हियर फॉर द वाइट मेंस बर्डन थ्योरी। इसका मतलब ये था कि वी आर द सीविलाइज वन एंड वी वर वॉन्टेड टू चेंज द इंडियन माइंड सेट फॉर द सिविलाइजेशन दे वी वर द नेशन ऑफ इलिटरेट्स वी वर द नेशन ऑफ is दैट इज were दे वर taught टू to टू us. तो ये हमारे सामने कुछ बातें दिखाई देती हैं गांधी ने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कई बार गांधी के बारे में यह माना जाता कि गांधी ने इससे गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कौन सा बड़ा परिवर्तन ला दिया तो सबसे बड़ा परिवर्तन था अंग्रेजी सत्ता की इनविंसिबिलिटी को चुनौती देना मेन थिंग ऑफ गांधी ही चैलेंज्ड इनविंसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होगा उनको उनको इतना ताकतवर माना जाता था कि वो कभी नहीं हारेंगे सो देर वॉज ए बिलीव एवरीवेयर वेयर देर वॉज नो सनसेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड गांधी विथ हिज इमेंस स्ट्रेटजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रॉड टू इट्स नीज अगेंस्ट द इंडियन पॉपुलेशन तो भारत की जनता के सामने अंग्रेजों की संसद और अंग्रेजों की व्यवस्था झुकती हुई दिखाई दे रही है तो कही न कहीं ना कहीं इसमें गांधी कांग्रेस और आम जनता के योगदानों की चर्चा की जा सकती है अब ये गांधी के रोल दिखाई देते हैं आगे चल के देश आजाद होता है लेकिन विभाजन के साथ अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अलावा और कोई आंदोलन नहीं था जो देश को आजाद कराए सो देर वॉज अनदर मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन दैट वॉज एक सेपरेट मोमेंट भी चल रहा था इस पूरी प्रक्रिया में और वो है कुछ यहाँ बड़े नाम दिखाई देंगे जैसे भगत सिंह भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस थ्री नेम्स इमर्ज विथ सो मैनी अदर फ्रीडम स्ट्रगलर्स इनके नाम उभर के सामने आते हैं भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या एस सी बोस ये एक्सट्रीमिस्ट विंग के मानने वाले लोग हैं जैसे भगत सिंह ने अपनी एक किताब लिखी वाई आई एम एंड एथेइस्ट मैं क्यों नास्तिक हूं इसके पीछे उन्होंने लिखा कि एक गहरी सोच एक गहरी समझ आ, उनके पीछे दिखाई देती है भगत सिंह ने इस किताब में लिखा कि मैं चाहता हूं देश में एक, एक ऐसी व्यवस्था जो केवल अंग्रेजों से मुक्त न हो बल्कि सामाजिक भेदभावों से भी मुक्त हो भगत सिंह रिटेन ए बुक बाई आई एम एन एथेस्ट ही स्ट्रेस्ड ऑन ए इक्विटेबल सोसाइटी ही ऑलवेज फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ कास्टिज्म इन द इंडियन सोसाइटी तो भगत सिंह ने केवल बम फोड़ने का काम नहीं किया भगत सिंह एक पॉपुलर फेस रहे इस आंदोलन का और उन्होंने अपने सार्थक मुद्दों से देश को आजाद कराने की कोशिश की चंद्रशेखर आजाद ने भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और सारे बड़े क्रांतिकारी इस संघ के अध्यक्ष बने आजाद ने तो यहां तक कहा कि मैं आजाद ही रहा हूं और आजाद ही रहूंगा इन हिज एंड डेज ही डिक्लेयर दी एंड टिली मैं मृत्यु तक भी फ्री रहूंगा और मैं फ्री रहा हूं मैं स्वतंत्र रहा हूं एस सी बोस की बात करें ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाई देते हैं भारत के आंदोलन में उन्नीस में और उनतालीस में त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली सो ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे ही डिफीटेड कैंडिडेट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेडेंशियल इलेक्शन ऑफ कांग्रेस पट्टा भी सीतारामैया पट्टा भी सीतारामैया वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ कांग्रेस बट ही पार्टेड बट सुभाष चंद्र बोस पार्टेड हिज वेज फ्रॉम द कांग्रेस, बिकॉज डिसन ऑफ गांधी एंड स्टेब्लिश अ न्यू पार्टी नोन एज फॉरवर्ड पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक तो इस तरीके से देखें सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट जो गांधी के भी कैंडिडेट थे पट्टा भी सीतारमैया को हरा के वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने उन्नीस सौ में उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाई उस प्लानिंग कमेटी में भारत के भविष्य की रूपरेखा दी गई उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और लेकिन गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने एक अलग संगठन की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक लेकिन ये मतभेद काफी बढ़ते गए और उन्होंने देखा कि अब इस पार्टियों के द्वारा देश को आजाद नहीं कराया जा सकता इसलिए वो मोहनलाल और राजबिहारी बिहारी बोस के इनविटेशन पे सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की आजाद हिंद फौज बाय मोहनलाल एंड राज बोस बट शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम हियर टू देयर तो इस घटना में एस सी बोस ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया उनका यह मानना था कि जो अंग्रेजों के दुश्मन है द्वितीय विश्व युद्ध में अगर उनकी सहायता से भारत को आजाद कराया जाए तो ये काफी कमाल की बात होगी लेकिन इस विचारधारा को कांग्रेस में सहमति नहीं मिली और एक रहस्यमयी परिस्थिति में ताइवान प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई Subhas Bose uh, accepted the fact that those uh, were the enemies of British Empire in India, like as French people, like as Germany, like as Italy. Italy, they wanted to create a unity against the British Empire, and that is why he reached there on the invitation of Rasbihari Bose and Mohanlal, and he established Azad Hind Force. But in a uh, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज ही ताइवान प्लेन क्रैश एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस तो ये घटनाएं भारत को आजाद कराने में योगदान देती हैं लाखों लोगों की बलिदान ने भारत को आज़ाद कराया ये घटना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और एक और मोमेंट दिखाई देता है जो कि हमारा लास्ट मुद्दा होगा वो है क्या भारत में राजनीतिक संगठन के अलावा कोई सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहे थे देश की आजादी के लिए वॉज देर एनी कल्चरल चेंज फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया यस देर वॉज ए कल्चरल चेंज देर वॉज ए कल्चरल चेंज एंड वॉट वॉज द कल्चरल चेंज वॉट वॉज द कल्चरल चेंज दैट वॉज जैसे दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया और ये 1875 में बना इसका मानना यह था कि जब तक भारतीय समाज की बुराइयां बनी रहेंगी तब तक देश की आजादी का कोई फायदा नहीं है Dayanand Saraswati established Arya Samaj and he understood until and unless there is a prevalence of social evils, India is uh, there is no worth of freedom. That is why he established Arya Samaj. Arya Samaj always focused on the social reforms, like as they opposed child marriages, they opposed sati system, they opposed polygamy, they opposed veil system, they opposed so many things. they, uh, they supported inter-caste marriages, they supported succession rights for the women, and so many things. education for all. दयानंद सरस्वती ने इन सब का विरोध किया सती प्रथा का पर्दा प्रथा का बहुविवाहों का और उनका मानना था कि समाज में अंतर विवाह ये जाति प्रथा को खत्म करेंगे. गिवन ए फेमस स्लोगन दैट वॉज बैक टू वेदास बोला कि वेदों की तरफ लौटो क्योंकि वेदों में ही ओरिजिनल ज्ञान दिया गया है आफ्टर दैट दयानंद सरस्वती ने ऐसा माना कि समाज की बुराइयों को दूर करो तभी स्वतंत्रता का कोई मतलब है ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज कॉन्सेप्ट उन्होंने पहली बार स्वराज के सिद्धांतों को दिया तो ये एक कमाल का परिवर्तन था उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे भी बल दिया इसके बाद दूसरे विचारक दिखाई देते हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय ने राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिस्ड ब्रह्मो समाज इन 1828 एंड ही फोकस्ड ऑन द अपोजिशन ऑफ सती सिस्टम विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड विलियम बैंडिंग सती सिस्टम बैंड इन इंडिया इन दोनों के एफर्ट से भारत में सती सिस्टम को बंद किया गया ब्रह्मो समाज का भी वही उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक सुधार ज्यादा जरूरी है इसके बिना किसी भी तरीके की स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं होगा सो अल्टीमेटली राजा राममोहन रॉय ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट विदाउट द सोशल रिफॉर्म्स देर वॉज नो वर्थ ऑफ एनी फ्रीडम फ्रॉम एनी इसी तरीके से और भी विचारक दिखाई देते हैं विवेकानंद यूथ आइकॉन विवेकानंद विवेकानंद सो so, विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ राम कृष्ण परमहंस मिशन कृष्ण परम हंस मिशन मेन फोकस ऑफ विवेकानंद वाज इग्नाइटेड ही इग्नाइटेड द माइंड ऑफ यूथ उनका मानना था कि जिस देश में युवा इस गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं उस देश में अपने को युवा कहने का कोई मतलब नहीं है ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन द यूथ पार एंड दैट इज वाई ही इज द यूथ आईकॉन ऑफ इंडिया विवेकानंद ने अगर देखा जाए तो उन्होंने भी छुआछूत का विरोध किया उन्होंने भी पॉलीगैमी uh, का विरोध किया उन्होंने भी सोशल रिफॉर्म्स की वकालत की सामाजिक सुधारों की बात की विवेकानंद आल्सो सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स ही आल्सो अपोज्ड अनटचेबिलिटी ही आल्सो एड्रेस्ड यूथ्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन तो अगर विवेकानंद की बात करें 1893 में शिकागो सम्मेलन से वापस लौटने के बाद उन्होंने जिस तरीके की विश्व ख्याति प्राप्त पाई की उससे अंग्रेजों के भी हौसले पस्त हो गए क्योंकि अभी तक अंग्रेज पूरी दुनिया को यही बता रहे थे कि कोई भारतीय ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत जिसके अंदर कोई जिज्ञासा है कोई टैलेंट है जब विवेकानंद को पूरी दुनिया ने शिकागो धर्म परिषद सम्मेलन में सुना तो पहली बार पूरी दुनिया को ये लगा कि जिस देश में विवेकानंद जैसे नागरिक रहते हो, वो देश गुलाम कैसे हो सकता है इसका मतलब अंग्रेजों की नीतियों में कोई कमी है वेन ही एड्रेस्ड 1893 Chicago religious शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन यूएसए देन अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी shocked, and वन वॉज the एंड दैट वॉज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ एनी इंडियन वाई बिकॉज ब्रिटिशर्स रूमर्ड दैट इंडिया वॉज ए अनएडुकेटेड इलिटरेट कंट्री तो ये एक बात दिखाई दे रही है तो विवेकानंद के प्रयासों ने भी भारत को आजाद करने में एक सांस्कृतिक स्तर पे काम किया तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जिस तरीके से उन्होंने भारत का शोषण किया वैसा ही भारतीयों ने प्रतिक्रिया भी दी और जिसका परिणाम निकला उन्नीस में भारत की आजादी तो ये एक सामूहिक प्रयास था किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था यह लाखों लोगों के बलिदान का प्रयास था सो वी वी कैन से दैट दैट वाज द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस इंडियंस एंड दैट इज वाई वी गॉट फ्रीडम सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया then uh, again we will be uh, meet on the same uh, study khazana thank you